आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेशर्स सीरीज जो शुरू करेगी प्रिया अनंत जो कि यहाँ पर स्टूडेंट है। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं और ज्यादा देर नहीं करते हैं। चलो प्रिया बताओ कि क्या होगा फ्रेशर्स। फ्रेशर्स वाक्यांश होता है। कैसे यूज करते हैं उसको? उसको मतलब हम लोग मतलब सामने वाला क्या मतलब कोई पूछ रहा है कैसे हो मतलब कैसे हो तो हम लोग बोलते हैं ना सब ठीक है सब बढ़िया है। तो मतलब अगर आप लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हो तो फ्रेशर्स आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम है क्योंकि छोटे छोटे वाक्य से शुरुआत करना ही आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है और आपका बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं कि हाउ आर यू कैसे हो जैसे कि डोंट जंप द गन बीच में मत बोलो हटो हटो मूव तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य फ्रेशर्स कराते हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है और जिनकी शुरुआत करने जा रही है प्रिया। तो एज जितने भी फ्रेशर्स हैं वो आपको प्रिया बताएगी। चलो प्रिया शुरू करो। फर्स्ट इज ऑल इज वेल। क्या भाई? ऑल इज वेल। चलो देखा होगे क्या पिक्चर में है। क्या होते हैं ऑल इज वेल मतलब सब बढ़िया है। क्या है? सब बढ़िया है। तो कभी भी आपको जब बोलना हो कि ऑल इज वेल तो क्या आएगा? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। चलो आगे लिखो। सेकंड क्या है आपका? एज यू लाइक। जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी इच्छा। सेकंड क्या भाई? जैसी आपकी इच्छा। इन इंग्लिश जी है ना जैसे आपकी मर्जी। ये मर्जी नहीं है बाबा मर्जी है मर्जी मार्जिन है जैसी आपकी मर्जी है ना। तो एज यू लाइक या फिर एज यू जैसी आपकी इच्छा या फिर जैसी आपकी मर्जी। तो जब भी बोलना हो जैसी आपकी इच्छा या जैसी आप मर्जी क्या बोलोगे? As you like. As you like. Okay, next. अरे यार ये वेरी गुड। ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग में कुछ भी एनीथिंग एक्सप्रेशन लगा बोलना है ना। बोलते हैं अरे कुछ भी एनीथिंग। अच्छा बोलते ना एनीथिंग कुछ भी। तो प्रिया बता रही है क्या है प्रिया? एनीथिंग कुछ भी है। तो प्रिया लिखवाइए कुछ भी एनीथिंग। ओके नेक्स्ट फर्स्ट। अब जैसे कि आपके हम मेहमान आए हैं है ना चाय दिए नाश्ता दिए है ना सबको खा गए आप पूछते हैं मेहमान से कुछ और एनीथिंग एल्स है ना। जब कुछ भी काम कंप्लीट हो जाता है फिर भी आप पूछते हो कि कुछ और सेवा कर दें कुछ और चाहिए तो बता दो। तो कुछ और किस चीज में यूज करेंगे? क्या भाई? एनीथिंग एल्स। एक नंबर याद लग रहा है क्लास कर रहा है भाई। एनी वन मतलब कोई एक नहीं होता कोई भी दोस्तों कोई भी आ जाओ डांस करने के लिए। एनी वन कोई भी आ जाओ भाई। यस मैं हूँ। चलो तो कोई भी पूछे जब कोई भी है ना तुम लिखता करो मैं समझाता हूँ तुम लिखता करो लिखते रहा करो ठीक है। तो एक है ना एनी वन कोई भी बोलता कभी स्टेज में आओ। एनी वन कम ऑन स्टेज स्टेज में आ जाओ। तो ये होता है आपका एनी वन ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर यू है ना। तो आर जो है आपका रहता है साइलेंट बता दिया हूँ। आर क्या रहता है आपका? साइलेंट। तो क्या है हुआ ये आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब आपके बाद आपके बाद या आपके पहले लगे हो है ना नए लगे हो है ना। तुम क्यों जा रहे हो? आफ्टर यू आपके बाद है ना। तो आप जाओ पहले फिर मैं जाऊंगा। तो आफ्टर यू ठीक है जी। उसके बाद है एनी एनी कोई भी होता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनी भी यार है ना। अब प्रतिभा बोलती है कंटिन्यू है ना। अरे हम लोग पिकनिक जाएंगे
है ना। तो आकाश पूछता है कहाँ जाएंगे, तो क्या बोलती है प्रतिभा, एनीवेयर, कहीं भी चलो नहीं यार, एनीवेयर कहीं भी, है ना। तो क्या बोलती है कहीं भी कैसे, कुछ नाम तो बताओ, है ना। तो यह है आपका एनीवेयर की कहीं भी बताने के लिए, चलो कहीं भी चलते हैं, लो लेट्स गो एनीवेयर, चलो कहीं भी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एट लीस्ट, कम से कम, कोई भी अच्छा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को भी छोटा मोटा काम भी करता है ना, उनका तारीफ क्या करो, क्या क्या करो, तारीफ। जैसे कि अब है हमारी ईसा मैडम बैठी है ना, लिसा बायोलॉजी में मस्त 99 लाती है और बाकी में 45, 44, 43, 45 ऐसा लाती है। अब मैं बोलती है बेटा कितना कम नंबर आया है, ऐसे पढ़ते नहीं तुम लोग, अच्छा है 99 में आ गया, बाकी कैसे है बोलती है। तो मम्मी बोलती है आगे तुम्हें क्या बोलूँ, है ना। उसके बाद मैं जाता हूँ उसके मम्मी पास, देखो मम्मी आपकी बेटी एक विषय में अच्छा लाई है, एक विषय में अच्छा लाई है, एटलीस्ट कम से कम एक विषय में अच्छा लाई है, उनके लिए तारीफ करो, अप्रिसिएट करो उसको, अब बोलो कि एक विषय अच्छा सकती हो तो बाकी चार विषय में अच्छा ला, है ना। इससे अप्रिशिएट करना चाहिए कम से कम। फिर है आफ्टर ऑल, आखिरकार उसकी मम्मी मान गई, ठीक है बेटा आप बहुत अच्छे हो, है ना, तो 50 रुपया जाओ समोसा खा लेगा, हमारा खुशी खुशी तो समोसा खाने के लिए, है ना। तो आफ्टर आखिरकार वो खुश हो जाती है एट द फर्स्ट साइड पहली बार में, और जब मैं 50 रुपये का पहली बार देखा समोसा, इतना बड़ा समोसा था 50 रुपये का एक थो, एट द फर्स्ट साइड पहली बार देखा और खा गया उसको, है ना। तो एट फर्स्ट होगा कि एट फर्स्ट टाइम पहले नजर में देखा तो दिल खो गया, अरे फर्स्ट है मुझसे ऊपर, ठीक है। तो एट फर्स्ट पहली नजर में या पहली बार, और 9 days ऑफ वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर मतलब क्या होगा, चांदनी चांदनी फिर अंधेरा, मतलब क्या, कुछ ऐसा चीज जो कुछ समय के लिए है, है ना, लेकिन कोई भी अंधेरा आदमी होता है वो तो अलग चीज है, लेकिन चार दिन चलने सब चीज है कि हर चीज लाइफ में बदलेगा और हर चीज नाशवान है, ये चार दिन की चांदनी है, चाहे आपका लाइफ हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका माँ बाप हो, चाहे हर चीज हो, सब चार दिन की चांदनी है, जिंदगी से जियो, because life is a 9 days of wonder, ठीक है। anyhow ठीक है, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, anyhow जैसे तैसे करके, ठीक है। as well as साथ ही साथ, ठीक, उसके बाद क्या है, साथ ही साथ अच्छे से जो बड़े जियो, ठीक है। as well as साथ ही साथ इस वीडियो को देखो और पूरा को याद करो, ठीक है। as well as साथ ही साथ कौन को बताएगा ए सी और फ्रेसेस जिसको याद होगा, और अधिक था ना, इतना ही तो था, और भाई और बहुत सारा था ना, चलो जाओ, चलो क्लैपिंग करो भाई प्रिया के लिए, ठीक है। फ्रेजेस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे ही आप बोलने की शुरुआत कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया आपके लिए, है ना। अगर इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना है तो आपको पूरा फ्रेसेस याद होना चाहिए, ठीक है। याद हो गया, चलो बताओ क्या क्या छूट गया है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, चलो बोलते हैं ऑल द बेस्ट, कि कोई भी काम करने को जा रहे हैं, जैसे कि है ना, अब क्षमा जा रही शादी करने के लिए, सॉरी राजी आ रही है शादी करने के लिए, सब बोलते हैं दीदी ऑल द बेस्ट, अच्छे से शादी करना, क्या करना, अच्छे से शादी करना, खूब एंजॉय करना, और प्लीज रोना धोना नहीं, है ना। हाँ ऑल द बेस्ट मतलब कुछ विश होता है, ठीक, ऑलराइट, ऑल ओके, डोंट वरी, ऑलराइट, सब बढ़िया है, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, ठीक है, तो ऑलराइट। उसके बाद और क्या था भाई, बोलो बोलो बोलो, याद करो, ऑल ओवर, ऑल ओवर, ओवरऑल होता जी,
ऑल ओवर नहीं, तो ओवरऑल कुल मिलाकर वो तो हो गया। अभी हम सिर्फ ए से पढ़ रहे हैं, और क्या हो सकता है बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ जी। ऑलमोस्ट लगभग है ना, लगभग भैया है ना, ट्रेन छूटने वाला था निकल गया, मैं पहुंच गया उसमें, लगभग ऑलमोस्ट है ना, एनी टाइम तो हो गया क्या, नहीं हुआ ना, एनी टाइम मतलब कभी भी, एनी टाइम मतलब कभी भी, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, यू डोंट वरी, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी है ना, आई विल हेल्प यू, आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप मेरे पास आओ, मैं आपको एडवाइस दूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। और क्या भाई, ऑफन वो तो आप सकती है, नहीं सब दूसरा था, ठीक है। और अरेंज नहीं जी, वर्ब नहीं बोल रहे हैं, फ्रेसेस देख के बोल दो, लिखाए थे ना बहुत सारे, बस हो गया। चलो तो ये है आपका ए से फ्रेसेस है। इसके अलावा अगर मेरे पास और कुछ लिस्ट मिलता है, कुछ और मिलता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन